हाय डियर स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था गांधी जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में और उनके विवाह संबंधी जानकारी हमने ली थी। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के इंग्लैंड यात्रा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1887 में जब गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा को पास कर जाते हैं तो भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में उनका एडमिशन कराया जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो वो वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद उनके एक पारिवारिक मित्र की सलाह पर उन्हें लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई करने के लिए सुझाया जाता है। जब ये जानकारी उनकी माँ को होती है तो उन्हें यह पसंद नहीं आता है। वह नहीं चाहती कि उनका जो छोटा बच्चा है, जिससे वो काफ़ी जुड़ी हुई थी, वो उन्हें इंग्लैंड नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि उन्हें डर था कि वह इंग्लैंड जाकर वहाँ के रंग में रंग जाएगा। तो वो मना करती हैं, लेकिन उन्हें मना लिया जाता है। गांधी जी की माँ गांधी जी से बोलती हैं कि अगर तुम मेरी 3 शर्तों को मानोगे, 3 शपथ लोगे मेरे से, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो 3 शपथ क्या थे? पहला था मांस को ना खाना, दूसरा शराब को हाथ न लगाना और तीसरा किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना। गांधी जी ने मुस्कुराकर माँ की ये तीनों प्रतिज्ञाएं ले ली और माँ को वचन दिया कि मैं ये तीनों काम नहीं करूँगा। तो उनकी माँ ने फिर उन्हें स्वेच्छा से जाने की इजाज़त दे दी। गांधी जी अपने भाई के साथ मुंबई आते हैं, क्योंकि उस समय मुंबई से ही इंग्लैंड जाया जाता था। तो वहाँ पे जब उनके बिरादरी के लोगों को पता चलता है इंग्लैंड जाने वाले हैं, तो वो लोग उसका विरोध करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय समुद्र यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता था। वो लोग मानते थे कि ये हमारा जो धर्म है ये भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन गांधी जी बिल्कुल ही अड़िग होते हैं, वो ये तय कर चुके होते हैं कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो लंदन जाकर करूँगा। उनको यहाँ तक कि जाति से भी बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन वो एकदम निर्भीक होकर 1888 में लंदन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लंदन गांधी जी चले जाते हैं, अपने पीछे अपनी पत्नी और अपने बड़े पुत्र को छोड़कर जाते हैं। गांधी जी जब लंदन पहुंचते हैं तो कुछ समय उन्हें वहां अच्छा नहीं लगता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम कहीं दूसरे नए जगह पे जाते हैं तो हमें थोड़ी सी बोरियत फील होती है। गांधी जी को भी ऐसा लगा, उन्हें अपनी माँ की याद आती थी, अपने बच्चे की याद आती थी, अपने परिवार की याद आती थी, लेकिन वो वहाँ पढ़ाई करने आए थे, ये बात उनके दिमाग में थी। गांधी जी को अपनी माँ की तीनों प्रतिज्ञाएँ भी याद थी, जो उन्होंने माँ को वचन दिया था। गांधी जी को शुरू में बहुत दिक्कत हुई खाना खाने में, क्योंकि वहाँ पे शाकाहारी भोजनालय उतने थे नहीं, लेकिन माँ ने तो बोला था कि मांस को छूना नहीं है, तो माँ की बात भी माननी थी। उस चक्कर में वो बेचारे को कभी कभी भूखे रहना पड़ता था, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने माँ से जो वादा किया था उसको अच्छी तरह से निभाया। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक शाकाहारी मिल जाता है होटल, वहाँ वो जाते हैं, खाते हैं, वहीं पे उनका हमेशा का खाना हो जाता है। फिर वहाँ पे साल्ट की पुस्तक मिलती है, जो कि शाकाहार संबंधी उसमें जानकारी होती है, उसे वो पढ़ते हैं वहाँ पे। तो उसे जब वो पढ़ते हैं तो उससे उसका उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उनके मन में जो उनके बाल्यकाल में ये बातें जो थी मन में कि मांसाहार का सेवन करने से हम हृष्टपुष्ट होते हैं, या फिर अंग्रेज जो है वो हमारे ऊपर शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मांसाहार करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए, इसमें उन्होंने भी मांसाहार किया था, तो ये जो उनके मन में गलतफहमी होती है वो साल्ट की पुस्तक पढ़ने से निकल जाती है। उसके बाद से वहाँ पे जो शाकाहारियों की सोसाइटी थी, जो वेजिटेरियन सोसाइटी थी, उनके कुछ लोगों से उनका संपर्क होता है, उनके संपर्क में आते हैं गांधी जी। उससे वहाँ के कुछ विशिष्ट लोगों से भी उनकी जान पहचान होती है, कुछ सुधारकों से जान पहचान होती है, कुछ पुरोहितों से जान पहचान होती है। फिर वहाँ अर्नाल्ड जो लेखक है, उनकी पुस्तक जो उन्होंने गीता का अनुवाद किया था वो दी जाती है पढ़ने के लिए उनसे। हालांकि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो संस्कृत में जानते होंगे, लेकिन गांधी जी ने यहाँ कभी गीता पढ़ी ही नहीं थी, उन्हें मालूम, मतलब वो गीता को जानते थे लेकिन उन्होंने कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो उनके सामने ये बात बोलते नहीं है। वो आते हैं और अर्नाल्ड की जो अनुवादित गीता होती है उसे पढ़ते हैं, तब उन्हें एक्चुअली में उन्हें जब वो इंग्लैंड चले जाते हैं तो वहाँ उन्हें अपने धर्म के बारे में जानकारी होती है।
उसके बाद वो बाइबल को पढ़ते हैं। गांधी जी पे धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, वो चाहे हिंदू धर्म हो या फिर जैन धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों का उन पे प्रभाव देखने को मिलता है। गांधी जी पे पुस्तकों का भी प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें उन पे व्यक्तियों का जो प्रभाव है, पुस्तकों का प्रभाव है, धर्मों का प्रभाव है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रॉस्किन है, टॉल्स्टॉय है, रायचंद भाई जो थे उनके, रायचंद भाई के बारे में तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक दो चैप्टर ही लिख दिया है पूरा, इनका इतना ज़्यादा उनका प्रभाव था उन पे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी आज हम बात करेंगे उनकी इंग्लैंड यात्रा की। तो वहाँ पे उनका अपने धर्म से परिचय होता है, ईसाई धर्म से परिचय होता है, जानते हैं कि धर्म क्या है, उनकी रुचि भी बढ़ती है। वहाँ पे वो जो वेजिटेरियन सोसाइटी होती है वहाँ उनको लोगों ने उनको सचिव बना दिया, तो उसकी मीटिंग हुआ करती थी। गांधी जी वहाँ जाते थे और चुपचाप सुनते थे, उन्हें बोलने का मौका दिया जाता था पर वो बोलते नहीं थे, क्योंकि वो जब खड़े होते थे तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं। देखिए, ये वो आदमी है जिसने इतने बड़े बड़े जन आंदोलनों को संचालित किया, उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। वो अपने आप पे कितना काम किया होगा ये हम सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर कितना काम किया होगा। तब गांधी जी जब एक आवाज़ लगाते थे तो पूरी भारत की जनता उनके पीछे दौड़ पड़ती थी, लेकिन उस समय वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे दूसरों के सामने, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे अपनी बातों को, इसलिए वो चुपचाप सुनते रहते थे। गांधी जी वहाँ जब इंग्लैंड में रहते हैं तो वहाँ की वेशभूषा जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं इन लोगों जैसा दिखूंगा तो अच्छा रहेगा, मैं यहाँ के रीति रिवाज सीखता हूँ। तो उसके लिए वो डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं। डांस, हाँ बिल्कुल, गांधी जी डांस भी करते थे और उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। फिर तरह तरह के पोशाक का भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में उसको फेरा फेर बोला है कि मैंने बहुत तरह के कपड़े पहने, रंगीले चटकीले सूट बूट सब कुछ पहना, और उनमें जाकर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है, बहुत सारी तस्वीरें रखी हुई हैं गांधी जी की अभी भी सूट बूट वाली। तो वहाँ पे जाकर ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं यहाँ के जो रीति रिवाज हैं इनको सीखूँ, उनको फॉलो करूँ। लेकिन गांधी जी को समझ में आ जाता है जब उनके पैसे की तंगी होती है तो वो समझ जाते हैं कि नहीं, इस सब चक्कर में मेरा बहुत सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। तो वो थोड़े लाइन पे आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच भाषा को सीखा, लैटिन भाषा को सीखा, और वो फिर 1890 में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद से उन्हें 1891 में वहाँ पे हाई कोर्ट में उनका नामांकन किया जाता है और 1891 में ही वो वापस भारत लौट आते हैं। भारत लौटने पर उन्हें बड़ा दुख होता है क्योंकि उनकी माताजी का देहांत हो चुका होता है, ये खबर यहाँ आने के बाद उन्हें मिलती है। फिर गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं इंग्लैंड से वापस लौटकर अपने घर जाता हूँ तो मेरा घर बिल्कुल बदला बदला सा नज़र आता है। मैं देखता हूँ कि पश्चिमी तौर तरीकों को मेरे घर में अपना लिया गया है। एक तरह से हम बोले तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था गांधी जी के घर का, उन्होंने उसको बढ़ा लिया था क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि गांधी इंग्लैंड रिटर्न है तो काफ़ी पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा वकालत चलेगी उनकी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि गांधी जी को भारतीय कानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। आज देखिए बहुत जगह से पढ़कर आते थे लेकिन उस समय में तो बहुत कम लोग ही जाते थे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो सभी सोचेंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, इसके ठीक उलट हो जाता है। गांधी जी एक सफल बैरिस्टर की जगह एक असफल बैरिस्टर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, गांधी जी एक असफल बैरिस्टर के तौर पर आते हैं सामने, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब गांधी जी जाते हैं कोर्ट जाते हैं तो उन्हें बोरियत सा फील होता है और वो बोलते हैं कि मैं जाता था और सोकर आ जाता था, मेरा दिनचर्या जो था इसी तरह का था, मैं कोर्ट जाता था और कोर्ट से सोकर वापस आ जाता था। लेकिन गांधी जी की पत्नी थी, बच्चे थे, तो उनको परिवार चलाना था, खर्चे का जुगाड़ करना था, कुछ तो करते हुए, तो उन्होंने सोचा कि मैं लंदन से पढ़कर आया हूँ, मेरी अंग्रेजी अच्छी है तो मैं कहीं पढ़ाने का काम ले लेता हूँ, कहीं पढ़ाता हूँ।
वो जाते हैं, एक दो जगह जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे जगह पे उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस समय अंग्रेजी के लिए उन्हीं को रखा जाता था जो इंग्लिश में ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन गांधी जी ग्रेजुएट पास होते नहीं हैं, तो उन्हें नहीं मिलती है, वो नौकरी भी नहीं मिलती है। बाद में उनके भाई के सिफारिश पे दाखिल खारिज नामे को लिखने का काम मिलता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, वकील के पास में होते हैं, वो टाइप करते हैं, टाइप करके लेटर देते हैं और उसी पे ले जाया जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है, वो वाला काम मिलता है उनको, गांधी जी को। लेकिन गांधी जी वो काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ना से हाँ से ही कुछ कुछ तो पैसे आएंगे, मेरे कुछ तो खर्चे निकलेंगे। देखिए, ये इस चीज़ से हम लोग ये सीख सकते हैं कि उस समय का उतना पढ़ा लिखा आदमी जो भारत से बाहर जाता है, वहाँ से पढ़ कर आता है, उसे नौकरी नहीं मिलती है, वो कुछ भी काम करने, उस गांधी जी ने बिल्कुल खंडन किया है कि हर एक काम जो है, कोई भी काम हो, चाहे नाई का काम हो या वकील का काम हो, दोनों काम बराबर है, क्योंकि दोनों अपने अपने हिस्से के काम कर रहे हैं, वो किसी भी काम को ऊंचा या नीचा नहीं मानते थे। देखिए, ये कितनी बड़ी महानता वाली बात है, ये कितनी अच्छी सोच है कि वो इतने इतने संपन्न परिवार से थे, उनके पिताजी दीवान रह चुके थे, उनके भाई लोग भी अच्छे पोस्ट पर थे, लेकिन फिर भी वो एक दाखिल खारिज का काम करने के लिए तैयार हो गए थे कि हाँ, मैं लिखूँगा, लिखने टाइपिंग करूँगा। ऐसे चलता है उनका, सब कुछ चलता है। उसके बाद से एक आता है, दक्षिण अफ्रीका से एक केस आता है अब्दुल्ला सेठ का। चूँकि गांधी जी को अंग्रेजी आती थी, लैटिन आती थी, तो ये वहाँ से केस आता है गांधी जी को लड़ने के लिए। गांधी जी तैयार हो जाते हैं। अब गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी होने लगती है। अब यहाँ से गांधी रिफॉर्म होना शुरू होते हैं। अब वो महात्मा की राह पे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं गांधी। यहाँ तक तो वो एक साधारण थे, इसके बाद असाधारण गांधी की बात होगी। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने क्या क्या किया, उनकी वहाँ की यात्रा कैसी थी, और किस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में, और उस प्रयोग को लाकर इंडिया में वो लेकर आए और भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। धन्यवाद।